Yes, good morning students. Yes, we have started fiber to fabric chapter yesterday. Now I am going to start the next topic of this chapter, cotton, which is on page number 21 of your book. ठीक है, ये आपके बुक में पेज नंबर 21 पे है. कॉटन. कॉटन इज़ अ सॉफ्ट फाइबर दैट ग्रोज अराउंड द सीड्स ऑफ द कॉटन प्लांट. तो कॉटन एक सॉफ्ट फाइबर है जो सीड्स कॉटन प्लांट के सीड्स के अराउंड ग्रो करता है. द कॉटन प्लांट्स आर यूजुअली ग्रोन एट प्लेसेस हैविंग ब्लैक सॉइल. तो कॉटन प्लांट्स जो हैं ये यूजुअली कहाँ ग्रो करते हैं, जहाँ पर ब्लैक सॉइल होती है, वार्म क्लाइमेट होता है. इन आर कंट्री कॉटन इज़ कल्टिवेटेड इन महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु एंड कर्नाटका. ठीक है, तो हमारी कंट्री में कॉटन कहाँ कहाँ कल्टीवेट किया जाता है ये बताया है. महाराष्ट्र में, मध्य प्रदेश में, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और कर्नाटका में. कॉटन प्लांट्स नीड अ टेम्परेचर ऑफ अबाउट 25 डिग्री सेल्सियस एंड अ रेनफॉल ऑफ अबाउट 60 सेंटीमीटर टू 100 सेंटीमीटर फॉर द ग्रोथ. द कॉटन प्लांट इज़ बुशी एंड अबाउट 1 to 2 meters इन लेंथ. तो जो कॉटन प्लांट होता है ये बुशी होता है और इसकी हाइट लगभग 1 to 2 meters तक की होती है. कल्टिवेशन ऑफ कॉटन इन इंडिया. द ग्रोइंग पीरियड फॉर कॉटन इज़ फ्रॉम मार्च टू नवंबर. स्प्रिंग में इसको सो किया जाता है, विंटर्स में हार्वेस्ट किया जाता है. ऑलमोस्ट कॉटन सीड्स आर प्लांटेड इन द अर्ली स्प्रिंग. कॉटन सीड ग्रो स्टेडली. द फ्रूट्स ऑफ द कॉटन प्लांट आर कॉल्ड कॉटन बॉल. तो जो इसके सीड्स ग्रो करते हैं इसको बोला जाता है कॉटन बॉल्स. द कॉटन बॉल्स ग्रो स्लोली. स्मॉल सीड्स एंड कॉटन फाइबर्स डेवलप एंड द फुली मेच्योर कॉटन बॉल इज ऑफ द सेम साइज एज दैट ऑफ द लेमन. इट इज़ ब्राउन इन कलर. तो जो ग्रोइंग पीरियड है ये मार्च से नवंबर तक है. इसको हम इस टाइम पीरियड में ग्रो कर सकते हैं. ठीक है, कॉटन सीड्स जो हैं ये अर्ली स्प्रिंग में हम सो करते हैं, प्लांट करते हैं. कॉटन सीड्स जो हैं ये स्टेरिली ग्रो करते हैं. ठीक है, जिससे कि जो कॉटन प्लांट है ये कॉटन बॉल्स में चेंज हो जाए. कॉटन बॉल्स जो हैं ये स्लोली ग्रो करते हैं. स्मॉल सीड्स जो कॉटन फाइबर्स के हैं डेवलप होते हैं, फिर ये फुली मेच्योर हो जाते हैं. इस तरह के क्रैक्ड कॉटन बॉल्स जो दिखाया है आपके पिक्चर में, रिवीलिंग वाइट फ्लफी फाइबर्स. ठीक है, ये कॉटन प्लांट है और इसके बाद जब फ्लावर आ जाएगा तो ये इस तरह से चेंज हो जाएगा. तो इस तरह से क्या होता है, हैंड पिकिंग होती है कॉटन बॉल्स की, और कॉटन पिकिंग मशीन के थ्रू भी इनको हम मशीन को यूज़ करके भी इसको हम पिक कर सकते हैं. तो ये शो किया हुआ है आपको कल्टीवेशन ऑफ कॉटन. यस, आफ्टर मैचुरेशन जो कॉटन बॉल्स है ये ओपन हो जाते हैं एंड सीड्स कवर्ड विद कॉटन फाइबर्स कैन बी सीन. और जो सीड्स कवर करते हैं कॉटन फाइबर्स को, इनको हम देख सकते हैं. द हीट ऑफ द सन ड्राइज दीज फाइबर्स. जो हीट है सन की ये इस फाइबर्स को ड्राई कर देती है, टर्निंग देम फ्लफी एंड एज वाइट एज स्नो. ये फ्लफी हो जाते हैं और एज जैसे स्नो होती है इस तरह से हो जाते हैं. ड्यूरिंग दिस टाइम द कॉटन फील्ड लुक लाइक अ फील्ड कवर्ड विद स्नो. इस टाइम पर ऐसा लगता है कि जो कॉटन फील्ड है वहाँ पर कॉटन नहीं स्नो है. ठीक है, नाउ इट इज़ टाइम ऑफ हार्वेस्टिंग. फिर हम इसे हार्वेस्ट करते हैं. कॉटन क्रॉप इज़ मोस्टली हैंड पिक्ड इन बिग फील्ड्स. मशीन आर यूज फॉर पिकिंग कॉटन. तो जब हम इन्हें हार्वेस्ट करते हैं, मोस्टली दे आर हैंड पिक्ड, हैंड से इनको पिक किया जाता है, बट बिग फील्ड्स में हम मशीन्स का भी यूज़ कर सकते हैं. अब बात करते हैं यूजेज ऑफ कॉटन की, कॉटन के यूजेस की. एज यू अवेयर अबाउट दैट कि कॉटन कितना इंपॉर्टेंट फैब्रिक है. कॉटन फाइबर्स आर यूज फॉर मैन्युफैक्चरिंग क्लोथ्स, लिनन, फॉर एग्जांपल सॉक्स, टी शर्ट, बेड शीट एक्सेट्रा जनरली मेड फ्रॉम कॉटन. तो कॉटन फाइबर्स जो हैं ये क्लोथ्स और लिनन की फॉर्मेशन मैन्युफैक्चर किए जाते हैं इससे, कॉटन से. सॉक्स, टी शर्ट, बेड शीट्स ये भी कॉटन से ही बने होती हैं. कॉटन क्लोथ्स आर कम्फर्टेबल इन हॉट एंड ह्यूमिड कंडीशंस. कॉटन क्लोथ्स कम्फर्टेबल होते हैं हॉट और ह्यूमिड कंडीशंस में, क्योंकि ये सॉफ्ट टू टच होते हैं, स्वेट एब्जॉर्ब करते हैं और एयर इनमें से पास हो जाती है. तो कॉटन क्लोथ्स कम्फर्टेबल होते हैं हॉट ह्यूमिड कंडीशंस में. क्यों होते हैं? बिकॉज दे आर सॉफ्ट टू टच, एब्जॉर्ब स्वेट एंड लेट द एयर इन. लेट द एयर इन का मीनिंग है कि इनमें से एयर पास हो जाती है. द स्वेट एब्जॉर्ब बाय द कॉटन क्लोथ इवेपोरेट्स मोर क्विकली.
और जो स्वेट ये कॉटन क्लोथ एब्जॉर्ब करता है ये इवेपोरेट हो जाता है ड्यू टू द एयर इट ब्रीथ, और जिसकी वजह से वी फील कूल, इट रिजल्ट्स इन कूलिंग डाउन ऑफ द बॉडी। कॉटन इज ब्लेंडेड विद अदर फाइबर्स टू मेक मिक्स्ड फाइबर्स लाइक टेरिकॉट। कॉटन को ब्लेंड किया जाता है दूसरे फाइबर्स के साथ जिससे मिक्स फाइबर बनाए जाते हैं, जैसे टेरिकॉट इज अ मिक्स्ड फाइबर। कॉटन इज यूज टू एब्जॉर्ब एंड एब्जॉर्ब ब्लड एंड पस फ्रॉम वुंड्स एंड अदर मेडिकल पर्पजेज। तो इसे हम मेडिकेशन में भी यूज़ करते हैं, अगर कहीं पर घाव हो जाता है, ठीक है, अगर कहीं चोट लग जाती है तो वहाँ पर भी हम कॉटन यूज़ करते हैं जिससे कि वो ब्लड को एब्जॉर्ब कर लेती है, पस को एब्जॉर्ब कर लेती है। यस, नाउ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आर देयर ऑन पेज नंबर 22 ऑफ योर बुक। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ नेचुरल फाइबर? सिल्क, वूल, टेरिलिन, जूट। सिल्क, वूल एंड जूट आर नेचुरल फाइबर्स, सो इसका आंसर रहेगा सी, टेरिलिन। ठीक है, विच टाइप ऑफ सॉइल इज गुड फॉर ग्रोइंग कॉटन? इट इज ब्लैक सॉइल। नाउ फ्रॉम फाइबर टू फैब्रिक, अब हम देखेंगे कि फाइबर से फैब्रिक किस तरह से तैयार किया जाता है, इसमें क्या प्रोसेसेस हैं। गिनिंग, गिनिंग इज अ प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग कॉटन फाइबर्स फ्रॉम देयर सीड्स। जब हम सीड्स को कॉटन से अलग करते हैं तो दैट प्रोसेस इज नोन एज गिनिंग। इट वॉज ट्रेडिशनली डन बाय हैंड्स यूजिंग स्टील कॉम्ब्स, तो इसको हैंड्स की हेल्प से ही किया जाता है, स्टील कॉम्ब्स यूज़ करके। दीज डेज अ मशीन कॉल्ड रोलर गिन, रोलर गिन यूज़ किया जाता है गिनिंग के लिए। ठीक है, दिस इज रोलर गिन मशीन। ठीक है, इससे क्या करेंगे, जो कॉटन है इसमें से सीड्स को सेपरेट करेंगे। देन स्पिनिंग, इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ चेंजिंग फाइबर इनटू यार्न, तो यहाँ पर फाइबर से थ्रेड में चेंज कर दिया जाता है इसे। स्पिनिंग ड्रॉन्स आउट शॉर्ट फाइबर्स फ्रॉम द कॉटन वूल एंड ट्विस्ट देम टुगेदर इनटू अ लॉन्ग कंटिन्यूस थ्रेड। ठीक है, तो ये क्या करेगा, इस प्रोसेस में जब हम फाइबर से यार्न प्रिपेयर कर रहे हैं, थ्रेड प्रिपेयर कर रहे हैं, तो स्पिनिंग की हेल्प से हम शॉर्ट फाइबर्स को सेपरेट कर लेंगे, उनको एक साथ ट्विस्ट करेंगे और लॉन्ग कंटिन्यूस थ्रेड या फिर यार्न हम फॉर्म कर देंगे। ठीक है, इसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, हैंड स्पिंडल और तकली या फिर चरखा। ये दो हैंड ऑपरेटेड डिवाइसेस हैं जो हम स्पिनिंग के लिए यूज़ करते हैं, जब हमें फाइबर से थ्रेड प्रिपेयर करना होता है तब हम यूज़ करते हैं। इन रूरल एरियाज पीपल स्टिल यूज़ चरखा फॉर मेकिंग थ्रेड और यार्न फ्रॉम कॉटन। तो जो रूरल एरियाज हैं वहाँ पर अभी भी चरखा यूज़ होता है फाइबर से थ्रेड या यार्न फॉर्म करने के लिए। स्पिनिंग ऑफ यार्न ऑन लार्ज स्केल इज डन बाय स्पिनिंग मशीन्स, और स्पिनिंग जो है ये लार्ज स्केल पे मशीन्स के थ्रू की जाती है। दिस इज शोइंग द स्पिनिंग मशीन एंड दिस इज तकली, जो हम पहले यूज़ करते थे, चरखा भी आप लोगों ने देखा होगा, हैंड स्पिंडल भी बोलते हैं इसको। तो ये हम यूज़ करते थे जब हमें फाइबर से थ्रेड में चेंज करना होता है कॉटन को, टू मेक यार्न फ्रॉम कॉटन। ठीक है, इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे किस तरह से प्रिपेयर किया जाता है। ये आपको पता ही होगा कि महात्मा गांधी जो हैं थे, ये फादर ऑफ द नेशन थे, और ये बहुत ज़्यादा यूज़ करते थे चरखा को, और ये खादी के क्लोथ्स ही वेयर करते थे जो कि चरखा पे स्पन किए जाते थे, ये अपने आप ही स्पन करते थे चरखा पे। ठीक है, इनको तो इंडिपेंडेंस मूवमेंट के टाइम पर भी इन्होंने एनकरेज किया पीपल को, जिससे कि वो खादी क्लोथ्स वेयर करें, हॉर्न से स्पन यार्न प्रिपेयर करें और बायकट कर दें इंपोर्टेड क्लोथ्स को, जो कि टेक्सटाइल मिल्स में मिलता था ब्रिटेन के। टू पॉपुलराइज द यूज़ ऑफ खादी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कॉन्स्टिट्यूट खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन इन 1956, और इसको पॉपुलराइज करने के लिए इंडिया की गवर्नमेंट ने खादी और विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन 1956 में कॉन्स्टिट्यूट की। नाउ आफ्टर दिस देखो, जब हमें क्या करना है, फाइबर से फैब्रिक बनाना है, तो पहले हमें क्या करना पड़ेगा, सीड्स को सेपरेट करना पड़ेगा, उस प्रोसेस को गिनिंग बोलते हैं। फिर हमें उस फाइबर को यूज़ करके थ्रेड प्रिपेयर करना होगा, जिसको हम स्पिनिंग बोलते हैं। फिर आ गया वीविंग, वीविंग क्या है, इट इज़ अ प्रोसेस टू कन्वर्ट यार्न इनटू क्लोथ। अब इस प्रोसेस में क्या होगा, यार्न से को क्लोथ में चेंज कर देंगे,
तो प्रोसेस है ये, जब हम इसमें अरेंज करते हैं दो सेट यान के, दो सेट थ्रेड के एक साथ, जिससे कि फैब्रिक प्रिपेयर हो जाए हैंडलूम की हेल्प से या पावर लूम की हेल्प से, इसको हम वीविंग बोलते हैं। वीवर्स वीविंग ऑन स्मॉल स्केल यूज़ हैंडलूम्स, जो वीवर्स वीव करते हैं स्मॉल स्केल पे वो हैंडलूम यूज़ करते हैं। ऑन अ लार्ज स्केल कॉटन फैब्रिक्स आर मेड बाय बिग मशीन्स दैट रन ऑन इलेक्ट्रिसिटी। तो लार्ज स्केल पे जो कॉटन फैब्रिक है ये बिग मशीन्स में बनते हैं जो इलेक्ट्रिसिटी पे चलती हैं, इन मशीन्स को पावर लूम्स बोलते हैं। ठीक है, जो हैंड से चलेगी वो हैंडलूम और जो इलेक्ट्रिसिटी पे रन करेगी वो पावर लूम। ठीक है, तो हैंडलूम की पिक्चर शो की हुई है। अब एक एक्टिविटी बताई है टू डिस्कस वीविंग, लेट अस डू द फॉलोइंग एक्टिविटी। ठीक है, एक्टिविटीज़ हम एक साथ डिस्कस करेंगे सारी। जैसे ये शो किया हुआ है इस तरह से, आप देखेंगे पेपर स्ट्रिप्स अगर हम कट कर लेते हैं, ठीक है, तो हम इनको इस तरह से वीव कर सकते हैं। दिस इज़ द प्रोसेस ऑफ वीविंग। ठीक है, इन द सेम वे दो सेट जो हैं यान की, इनको वोव किया जाता है जिससे कि फैब्रिक बनाया जाए। जो यान हैं दे आर मच थिनर देन द पेपर स्ट्रिप, पेपर के स्ट्रिप से बहुत ज़्यादा थिन होते हैं ये यान थ्रेड्स। ठीक है, तो इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम एंड एनर्जी